इन दिनों हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर जहां सियासत गरमाई हुई है और हर तरफ राजनीति का गर्मागर्म माहौल बना हुआ है, वहीं पिहोवा विधानसभा में प्रशासन की किसानों के प्रति लापरवाही को लेकर किसानों के चेहरे उतरे हुए हैं। चार दिन पहले तेज बरसात ने किसानों की धान की फसल को पूरी तरह से खराब कर दिया है। किसानों का कहना है कि इस बरसात से धान की पूरी फसल ही बर्बाद हो गई। उनके पास इस बार ना खाने के लिए दाने होंगे और ना कर्ज उतारने के लिए रुपए होंगे। पूरी फसल के बर्बाद होने के कारण वो कर्ज के तले दबे हुए हैं। मैं कबलजीत सिंह, ये मामला है कि बारिश आई हुई थी और ओलावृष्टि की वजह से हमारे यहाँ पर सभी खेतों में कम से कम 300-400 एकड़ जमीन में फसल बिल्कुल 100% खत्म हो चुकी है। SDM साहब के पास गए थे और उनको लिखित रूप में हमने दिया था, हमारी इसकी गिरदावरी की जाए और हमें जो भी इसका बनता है नुकसान मुआवजा दिलवाया जाए। अलहमदिल्ला भी ये ठेके पर लेके की हुई है। निचले इलाकों में तो काफी पानी भर गया, जिनको हम की ट्यूबवेल से या पंप से लगा के निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। इससे नुकसान से तो हम लोग बहुत ज्यादा कर्जे के नीचे दब जाएंगे और हमारे पास आत्महत्या करने के सिवा और कोई चारा ही नहीं बचेगा। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें 50,000 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाए ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके और वो समय रहते बैंकों के व दूसरे कर्जे चुका सकें। इंडिया 24 के लिए पिहोवा से